अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टेम लर्नर्स चैनल में खुश आमदीद। आज हम लोग एक जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर ऑर्डिनरी लेवल दैट इज ओ लेवल्स, के ओ लेवल्स में हमें किस टाइप के सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि हमें मार्क्स लाइक ग्रेडिंग में भी ग्रेड्स अच्छे दे सकें और उसके अलावा हमारे फ्यूचर प्लान्स में भी वो हमारे लिए यूजफुल हो सकें। सो आर फर्स्ट इज दैट फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि ओ लेवल स्टूडेंट्स को बेसिकली 8 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंपलसरी पढ़ना होते हैं। अब उन सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स हमें खुद से सिलेक्ट करना पड़ते हैं एंड रेस्ट ऑफ द 5 आर कंसीडर्ड एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट्स। सो इंग्लिश लैंग्वेज, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज एंड उर्दू आर कंपलसरी फॉर ऑल द ग्रुप्स इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज ग्रुप। सो ह्यूमैनिटीज ग्रुप, जनरल साइंस ग्रुप, विच एवर ग्रुप वी विल सिलेक्ट, उन सब में ये तमाम सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू, ये सब कंपलसरी हैं। इसके अलावा हमें 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ते हैं जो हमारे ग्रुप को डिसाइड करते हैं। सो बेसिकली मेरे लिहाज से जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी उसके लिहाज से मैं आपको 2 कॉम्बिनेशन जो है वो लाइक रिकमेंड करूंगी कि आप इन 2 कॉम्बिनेशन में से सिलेक्ट करें। उसकी रीजन को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि मैं क्यों इन दोनों कॉम्बिनेशन को करने के लिए आपको कह रही हूं। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना चाहिए दैट इज द साइंस ग्रुप। साइंस ग्रुप में और भी सब्जेक्ट होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ वो आप देखें। पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके साथ आप बायो, एड मैथ या कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, इसकी रीजन हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन है वो है अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज या फिर एडिशनल मैथ रख लें या कंप्यूटर साइंस रख लें, ये कॉम्बिनेशन नंबर 2 है। ये जो लास्ट 3 मैंने आपको बताए हैं इनमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा और अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब हम मूव करते हैं कि जो कैम्ब्रिज हमें साइंस ग्रुप और ह्यूमैनिटीज ग्रुप के लिए सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहा है वो इन सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको रिकमेंड किए इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कैम्ब्रिज जो हमें बेसिकली साइंस ग्रुप सब्जेक्ट्स जो ऑफर कर रहा है वो है मैरीन साइंस, उसका कोड है 5180। फिजिक्स ऑफर कर रहा है, ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फिजिक्स, 5054 कोड है। इसके अलावा साइंस कंबाइंड फॉर्म में दैट इज 5129। उसके अलावा एड मैथ ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इज 4037। एग्रीकल्चर इज 5038, बायोलॉजी 5090, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट 5014। आप इनमें से कोई से 3 सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू जो आपको सूटेबल लगे, लेकिन जो हमने रिकमेंड किए हैं वो कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस ग्रुप की तरफ। अब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं लाइक पाकिस्तान स्टडीज तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आता है, इसके अलावा इस्लामियात भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आता है। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें रिलीजियस स्टडीज कोर्स इस पे गिवन है आप देख सकते हैं, सोशियोलॉजी 2251, बांग्लादेश स्टडीज 7094, इकोनॉमिक्स दैट इज 2281, ज्योग्राफी 2217, हिंदुइज्म 2055, ग्लोबल पर्सपेक्टिव 2069, हिस्ट्री आप सिलेक्ट कर सकते हो दैट इज 2147, इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज जो कि इस्लामिक हिस्ट्री कहलाती है दैट इज 2068। ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं। अब हमने देखना है बेसिकली कि जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, मैंने जो कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताया वो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, एड मैथ या कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या फिर हमने दूसरा कॉम्बिनेशन अभी डिस्कस किया था कि हम उसमें अकाउंटिंग ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, उसके अलावा हम जो हैं वो इसमें बिजनेस स्टडीज और कंप्यूटर या एड मैथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ कि कॉम्बिनेशन 1 बहुत ज्यादा जो है वो लाइक प्रीफरेबल है, उसकी रीजन क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स ओ लेवल्स में साइंसेज में अपियर होते हैं वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स जैसे इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, बिजनेस है, ये सब कुछ ए लेवल्स में जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं अगर उनकी मैथ बहुत अच्छी है और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब है कि अगर आप
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या एड मैथ, इन चारों पांचों में से तीन सब्जेक्ट जो है वो अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपके पास एक तो मल्टीपल नॉलेज आ जाएगा, साइंस के सब्जेक्ट्स आप पढ़ लोगे, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप अपनी फील्ड नेक्स्ट में चेंज करना भी चाहते हो ए लेवल्स में, तो ए लेवल्स में आप जो है वो आपके पास बहुत बेहतरीन चांस है कि इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और बिजनेस को सिलेक्ट कर लो। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि जितना भी हम जितने भी स्टूडेंट्स ओ लेवल्स में इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और फिर जाकर ए लेवल्स में पढ़ते हैं, तो उन्हें ओ लेवल्स का सारा सिलेबस दोबारा से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसकी सिलेबस की आउटलाइन में ओ लेवल्स का सारा सिलेबस ए लेवल्स में भी शामिल है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ए लेवल्स में शामिल हैं, न्यू टॉपिक्स हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा स्टूडेंट जो 5 साल इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज को पढ़ता है और ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ 2 साल ए लेवल्स में पढ़ता है, वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि सारा ओ लेवल्स का जो बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे ए लेवल्स में दोबारा से इंक्लूडेड हैं। तो आपको जो है वो फोकस करना चाहिए कि आप जो है वो कोशिश करें कि कॉम्बिनेशन 1 को ओ लेवल्स के लिए सिलेक्ट करें, जो कि हमने जो है वो अभी डिस्कस किया था कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और उसके अलावा कंप्यूटर साइंसेस या फिर एड मैथ, इन पांचों में से आप कोई से तीन सब्जेक्ट ऑप्ट कर लें। तो मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो हायर स्टडीज के लिए जो मर्जी प्लान रखें, लेकिन ओ लेवल्स के लिए इन कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो ये बहुत ज्यादा प्रेफर्ड होंगे आपके लिए, आपके फ्यूचर लाइफ के लिए, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा फील्ड्स आपके लिए ओपन रहती हैं। अब नेक्स्ट देखें, इसमें मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगी कि तमाम स्टूडेंट्स को जो ओ लेवल्स में अपेयर होना चाहते हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ओ लेवल्स के लिए जो है वो अडॉप्ट करें, चाहे उनके जो मर्जी फ्यूचर प्लान्स हों। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप मोर देन 8 सब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं, ताकि आप जो है वो ग्रेडिंग जब हो तो आपके ज्यादा से ज्यादा ए स्टार्स आपकी आप जो है वो ऑब्टेन कर सकें। सो बेसिकली मोर देन 8 सब्जेक्ट्स भी रखे जा सकते हैं, लेकिन 8 सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी फॉर ओ लेवल्स, और ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। और इसके अलावा एक और बात बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह पाकिस्तान में अगर कैम्ब्रिज का सिस्टम देखें तो वहां पर ये चीज कंपलसरी नहीं है कि मैथ्स और इंग्लिश में आपकी जो है वो सी ग्रेड से बिलो जो है वो ग्रेड नहीं आना चाहिए, लेकिन जैसे ब्रिटिश है और वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं जितने भी, वो सारे जो है वो इस चीज की तरफ रिकमेंडेशन करते हैं कि आपके मैथ्स और इंग्लिश में सी ग्रेड से बिलो नहीं आना चाहिए। अगर बिलो आता है देन यू हैव टू रिवाइज दीज टू सब्जेक्ट्स, बिकॉज दे आर कंसीडर्ड दीज टू सब्जेक्ट्स एज द कोर सब्जेक्ट्स। तो आपने फोकस करना है कि आप अपनी मैथ्स पे ग्रेड बहुत ज्यादा रखें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि हम मैथ्स में और इवन ग्रेडिंग सिस्टम को पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मैथ्स की तरफ जाएंगे कि किस तरह से हम जो है वो मैथ्स में ए स्टार हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल दैट इज स्टेम लर्नर्स फॉर मोर वीडियोज, एंड होप यू विल लाइक माई वीडियो। Please share it and like it, please. Thank you so much. Allah Hafiz.